नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी न्यूज में। बीजेपी नेता आरएस प्रसाद का बयान आया सामने। बोले, भारत का कानून है कि अगर किसी व्यक्ति या संस्था को बदनाम करने वाली टिप्पणियों गालियों से बदनाम किया गया है तो उसे पता मांगने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। वे चाहते हैं कि राहुल गांधी को अपशब्द बोलने की पूरी आजादी हो। सवाल मुझे करने हैं। मैं देख रहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं सत्य और अहिंसा में विश्वास करता हूं। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? देश को जाति सूचक गाली देना है? जो उन्होंने कहा, मैं उसको दोहरा नहीं सकता, आपके सामने है कि कितनी वो भद्दी बात उन्होंने कही। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। द लॉ ऑफ इंडिया इज दैट इफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डिफेम्ड बाय डिफेमेटरी कमेंट, बाय अब्यूजेस, बाय स्करिलस कमेंट्स, बाय स्कैंडलस कमेंट्स, देन ही हैज गॉट द राइट टू सीक रिड्रेस। क्या कांग्रेस पार्टी को इस पर भी परेशानी है? क्या वो तो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे? ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा।